फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुज किचन। आज हम बनाएंगे पोहे की पकौड़ी। ये बहुत ही क्रिस्पी होती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर रेसिपी बनाना शुरू करें। बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे उबले हुए आलू लिए हैं। आप बड़े बड़े कम से कम 3 आलू ले सकते हैं। आलू ठंडा होना चाहिए। अब हम इन्हें ग्रेट कर लेते हैं। आलू बॉयल करके तुरंत आपको ग्रेट नहीं करना है, वरना पकौड़ियां टूट सकती हैं। आलू ग्रेट कर लिए। अब इसमें हम 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, कटी हुई हरी धनिया, कटे हुए हरी मिर्च, करी लीव्स और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। लगभग 1 कप पोहा। आपके पास कोई भी बिस्किट हो या ब्रेड क्रम्स हो आप इसमें डाल सकते हैं। पुरानी बिस्किट हो जो घर पर पड़ा हो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। इसमें हम 1 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे। एक चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, आप देगी लाल मिर्च डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा डाला है, हल्का सा इसमें गरम मसाला, जीरा पाउडर, बस। अब इन्हें मिक्स करके एक डो बना लेते हैं। एक डो के रूप में हो गया है। अब हम कढ़ाई गर्म रखते हैं गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें ऑयल डाल देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई तब तक हम छोटा छोटा इसका पकौड़ी का जो भी शेप देना चाहें। कढ़ाई हमारा अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे। अब इन्हें हम एक तरफ से फ्राई हो जाने देते हैं। पोहे हमारे एक तरफ से सीख गए हैं। अब इन्हें हम ये से पलट देंगे। जब पोहे हमारे क्रिस्पी हो जाए तो हम इन्हें निकाल लेंगे। पोहे का पकौड़ी बहुत टेस्टी होता है। एक बार आप अपने घर इसे ट्राई जरूर करिएगा। पोहे के पकौड़ी बनाते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि पोहे का जो डो तैयार होगा वो गीला नहीं होना चाहिए, वरना आपकी सारी पकौड़ी टूट जाएंगे। इन्हें हम निकाल देते हैं। डन। अब हम करते हैं प्लेटिंग। मैंने सारे पकौड़ी को टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया है। जब इसका पूरा ऑयल निकल जाए तो फिर हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा क्रिस्पी पकौड़ी डन है। अब हम चलते हैं इसे खाने। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए।